एहसन इकबाल या फिर हनीफ अब्बासी को उठ के बजाय इसके कि जो हमने पॉइंट्स बताए थे बलूचिस्तान पे, सैलाब पे, बाकी इश्यूज़ पे, अहम इश्यूज़ उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते, उनका क्या था? एक छोटी सोच जब इंसान की होती है तो फिर यही होती है, जब कोई पॉलिसी नहीं दे सकता, जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, जब वो कोई जवाब दे ही नहीं सकते और ना देना चाहें तो उन्होंने क्या किया, अटैक शुरू कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो उनके ऊपर, और उसके बाद फिर स्पीकर साहब ने हाउस जुमे के लिए उन्होंने एडजर्न कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। इस वक्त एहसन इकबाल को मुखातिब करके हम कहते हैं, आपको हमने इतना कहा था कि इस पार्लियामान में खड़े होकर अपना हाथ उठा के कहें कि आप जीते हुए हैं, इनको इनके बच्चे इनके ड्राइवर भी नहीं मानते कि ये जीते हुए हैं। हनीफ अब्बासी साहब के पास इस वक्त 7000 का वोट नहीं है, इससे सबसे पहली मिसाल दी थी और सबसे ऑनेस्ट बात की थी राणा सनाउल्लाह साहब ने, जिसने ये कहा था कि हमने हुकूमत लेने के बाद, रिजीम चेंज करने के बाद उसको तूल इसलिए दी ताकि अपने केसेस को ख़त्म करा सके।